हर साल ही भोग पैंदा सीगा ते मैनू जिहड़ी जाति जानकारी है कि कोई सिख जिहड़े शामिल हुंदे सी जिहड़े अज बाहां लार लार के भाई कौंका साहब की शहीदी की गल कर रहे हैं ते इह वी उह चाहुंदे सीगे ते किन्ने क असीं उहनां दे भोग दे रहे सी किन्ने क असीं उहनां दे सब तो घिनौना जिहड़ा अतवाद है ना वो सरकारी अतवाद हुंदा ये एक किस्म का सरकारी अतवाद से सरकारी अतवाद ने साढ़े 1,00,000 नौजवानों का लहू पीता है और सब तो बदकिस्मती है कि किसी सरकार ने उन्हें अतवादियों सरकारी अतवादियों सजा देने का यतन नहीं किया। 25 साल रिपोर्ट जी है भाई कौके की वो सरकार दियाँ लमारियों के धूड़ फकती रही है तो सरकार ने किसी भी सरकार ने वो फाइल में चुप के जरा गर्द झाड़न का भी यतन नहीं किया भी गर्द झाड़ के देख लीए ये है कि ये 2097 जिहड़े सिख नौजवान से इन्हों उस वेले की पंजाब पुलिस ने खो खो के नजायज हिरासत रख के शहीद किया। उन्होंने जो लिखा सही लिखा जी सही क्या उन्होंने जो किया भाई गुरदेव सिंह जी कौंके जिहड़े सन ये बहुत ही भजनीक गुरसिख सन जिन्हां नूं 1993 दे विच उस वेले दे जिहड़े तत्कालीन अफसर सी पुलिस दे उन्होंने खो खो के जिहड़ा मारिया सी जगराऊं दे विच शहीद किया सी। उदों तो लैके हुण तक उन्हां दी जिहड़ी धर्मपत्नी सी मैं समझदा कि उन्हां दी भी बहुत वड्डी कुरबानी है जिन्हां ने भाई साहब भाई कौंके साहब की गैर हाज़री दे विच अपने बच्चों नूं पालिया तो उन्हां दी याद दे विच उह श्री अखंड पाठ साहिब वी करवाउंदे हुंदे सी। ये भाई कौंके संत ज्ञानी बाबा सुंदर सिंह जी जिहड़े बड़े महान भजनीक साधु होए ने उन्हां दे भरा भाई इंदर सिंह दे विद्यार्थी सी बदनी कलां पढ़ते सी। हर साल ही भोग पैंदा सीगा ते मैनू जिहड़ी जाति जानकारी हैगी मेरे कोल भोग दे उत्ते कोई सिख जिहड़े शामिल हुंदे सी जिहड़े अज बाहां लार लार के भाई कौंका साहब की शहीदी की गल कर रहे हैं तो ये भी उदों चाहुंदे सीगे ते किन्ने क असीं उहनां दे भोग दे जांदे सी किन्ने क असीं उहनां दे अरदास समागम में शामिल होंदे सी। 25 साल रिपोर्ट जिहड़ी है भाई कौंके की वो सरकार दियां लमारियां दे विच धूड़ फकती रही है तो सरकार ने किसी भी सरकार ने वो फाइल में चुक के जिहड़ा उहदी गर्द झाड़न का भी यतन नहीं किया भी गर्द झाड़ के देख लीए इहदे विच है कि ते दोषियों नूं सजावां जिहड़ियां देनी तां बहुत दूर की गल है तो मैं हुण जिहड़ी मौजूदा सरकार है उहनूं कहांगा कि जो पिछलियां सरकारां ने गलती की है तो उहनूं पासे रखदे होए जिहड़ी मौजूदा सरकार है घट्टो घट्ट ये उस रिपोर्ट के उत्ते कार्रवाई जरूर करे तो दोषियों सजावं जड़िया मिलनिया चाहिए ने जे किसी की डैथ भी हो गई है ना तो उन्होंने भी जी है संकेतक सज़ा जी है वो कोर्ट वालों जरूर दवानी चाहिए है भावें फाइल आ जाने चाहिए है पता लगना चाहिए इतिहास के बंदे ने किया तो मौत तो बाद भी इन सज़ा जी है वह मिली सी ऐसा होना चाहिए तो मैं जरूर मौजूदा सरकार को कहूँगा कि पिछलियां सरकार दी गलतियां नूं पासे रख के तो मौजूदा सरकार जी तिवाड़ी रिपोर्ट है वो कार्रवाई करे तो दोषियों को सजा दे जो सिखां नूं इंसाफ मिल सके। सरकार को यह याद है कि बंदी सिंह ने की गलत किया पर यह नहीं याद कि बिल्कुल मैं उही गल 2097 जिहड़े नजायज हिरासतां दे विच पंजाब पुलिस ने मारे ने उस दौर के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मुआवजा दे चुकी है मतलब कि ये अथेंटिक हो चुकिया है कि ये 2097 जिहड़े सिख नौजवान से इन्हों उस वेले की पंजाब पुलिस ने खो खो के नजायज हिरासतां रख के शहीद किया तो जे उदा देखिए तो खालड़ी की रिपोर्ट मुताबिक 25,000 लाशा जड़िया इन्होंने खुरद बुरद कीतियां ने तो जबकि ये गिणती जी है ये लखां दी विच हैगी है कि साडा लखां नौजवान कोई लख दे करीब तो लख तो वध नौजवान जिहड़ा है उस दौर दे विच इन्हां ने शहीद किया है लापता किया है। मैं यही गल कहना ना कि किसी भी सरकार ने उन्हां दोषियों के खिलाफ चाहिए तो यह कि कमिशन बनना चाहिए सी नजायज़ जिहड़ियां हिरासतां दे विच कतलेआम होया है। देखो सब तो घिनौना जिहड़ा अतवाद है ना वो सरकारी अतवाद हुंदा है
ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਭਜਨੀਕ ਰੂਹ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ।